जी तो व्यूअर्स, हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इन दिए गए मैट्रिसेस का ऑर्डर कैलकुलेट करना है, मालूम करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर मालूम करने के लिए हमें बेहद जरूरी है कि हम ये जानें कि कोई भी मैट्रिक्स कितने एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। तो अगर हम व्हाइट बोर्ड पे फोकस करें तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स मेंशन किया हुआ है। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो ऑरिजेंटल लाइंस होती हैं, ऑरिजेंटल लाइन जैसा कि यहाँ पे एरोस के जरिए मैंने ऑरिजेंटल लाइन लगा के भी दिखाई हुई है, तो किसी भी मैट्रिक्स में जो ऑरिजेंटल लाइंस होती हैं उनको गिनकर हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज का पता लगा सकते हैं। इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स के सेस के अंदर हम वर्टिकल रोज, वर्टिकल जो लाइंस हैं उनको गिनकर हम उस मैट्रिक्स के कॉलम का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कितने कॉलम पर मुश्तमिल है। अब अगर हम इस मैट्रिक्स ए के ऊपर फोकस करें, सिर्फ मैट्रिक्स ए को देखें, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखना है कि कितने हमारे पास ऑरिजेंटल लाइंस मौजूद हैं। ऑरिजेंटल लाइन एक तो हमारे पास ये मौजूद है, एक हमारे पास ये मौजूद है। तो ऑरिजेंटल लाइन एक, ऑरिजेंटल लाइन दो, तो टोटल ऑरिजेंटल लाइंस हमारे पास कितनी हैं? दो। तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास रोज होंगी वो कितनी होंगी? दो होंगी। इसी तरह से अगर मैंने कहा दूसरा एलिमेंट कौन सा होता है मैट्रिक्स का, वो होता है कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। अब अगर इसी मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद हमसे पूछी गई हो तो हम कैसे बताएंगे? तो उसको बताने के लिए हम देखेंगे कि कितनी हमारे पास वर्टिकल लाइंस इसके अंदर मौजूद हैं। एक वर्टिकल लाइन जिसमें 3 और 6 शामिल है, और दूसरी वर्टिकल लाइन जिसके अंदर हमारे पास 2 और -5 शामिल है। तो इन दो वर्टिक ये दो वर्टिकल लाइंस हमारे पास मौजूद हैं, और इनके अलावा कोई भी तीसरी वर्टिकल लाइन इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद नहीं है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, या ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमें ये पता चल गया कि टोटल मैट्रिक्स के अंदर कॉलम 2 मौजूद हैं, और टोटल इस मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी मौजूद हैं? वो भी 2 मौजूद हैं। अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ऑर्डर मालूम करना हो तो ऑर्डर मालूम करने के लिए आसान सा ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम तादाद, टोटल तादाद लिखेंगे किसी भी मैट्रिक्स में जो रोज होंगी उनकी। तो रोज की तादाद इस मैट्रिक्स के अंदर हमने भी कैलकुलेट की थी, वो कितनी है? 2। तो रोज कितनी हो गई? 2 हो गई। इसी तरह से इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की तादाद कितनी है? वो भी 2 है। अब रोज की तादाद लिखने के बाद हम निशान लगाएंगे जरब का, और उसके बाद कॉलम्स की तादाद उसकी लिख देंगे। तो कॉलम्स की तादाद इसमें कितनी है? वो भी 2 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे पढ़ेंगे? 2 क्रॉस 2, जिसमें सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ रोज लिखी, अपनी रोज की तादाद, और उसके बाद कॉलम्स की तादाद लिखी। इस तरह से करके मेरा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैलकुलेट हो गया है। अब मैट्रिक्स बी के अंदर आते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जानेंगे कि इस मैट्रिक्स के अंदर ऑरिजेंटल लाइंस कितनी है, यानी कि रोज की तादाद कितनी है। तो ऑरिजेंटल लाइंस अगर इस मैट्रिक्स में मैं देखूं तो हमारे पास ऑरिजेंटल लाइन इस मैट्रिक्स में भी 2 ही है। एक ये हो गई ऑरिजेंटल लाइन और एक ये हो गई। तो ऑरिजेंटल लाइंस कितनी है? 2। तो इसका मतलब है कि जो इस मैट्रिक्स के रोज की तादाद है वो कितनी है? वो 2 है। तो मैं यहां पे 2 सबसे पहले लिखूंगा जो कि रोज की तादाद को जाहिर कर रहा है। सबसे पहले मैंने रोज की तादाद लिख दी, उसके बाद मैं देखूंगा यहां वर्टिकल लाइंस कितनी है जो कि कॉलम्स की हमें पहचान देती हैं। तो मैं वर्टिकल लाइंस इसमें से सर्च करता हूं। तो एक तो वर्टिकल लाइन जिसमें 0 और 5 शामिल है, एक वर्टिकल लाइन यहां पर है, और एक वर्टिकल लाइन जो कि 2 और 3 से जाहिर हो रही है, दूसरी वर्टिकल लाइन यहां पर है। तो यहां पर भी जो वर्टिकल लाइंस हैं 1 और 1 2, टोटल वर्टिकल लाइंस 2 हैं। इसका मतलब ये है कि वर्टिकल अरेंजमेंट हमारे पास वो भी 2 है। वर्टिकल अरेंजमेंट किसको जाहिर करते हैं? हमारे पास कॉलम को। तो मैं कॉलम की तादाद लिख दूंगा और उसके बाद दरमियान में क्रॉस लगा दूंगा, जरब का निशान लगा दूंगा, जिससे मेरे पास इस मैट्रिक्स का बा आसानी
ऑर्डर मालूम हो जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स में टोटल रोज की तादाद लिखते हैं, उसके बाद जरत का निशान लगाते हैं, उसके बाद टोटल कॉलम्स की तादाद लिख देते हैं। इस तरह से करके हमारे पास उस दिए गए मैट्रिक्स का आसानी के साथ ऑर्डर मालूम हो जाता है। अब इस सी मैट्रिक्स के अंदर आए, अब इस सी मैट्रिक्स में देखेंगे कि हमारे पास रोज की तादाद कितनी है, क्योंकि सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम रोज की तादाद लेते हैं, तो इसमें रोज की तादाद कितनी है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है रोज, तो एक ही इसमें रो है, इसका मतलब है क्योंकि एक ही लाइन हॉरिजॉन्टल नजर आ रही है। तो यहां पे हमने लिख दिया सबसे पहले वन, जो कि जाहिर कर रहा है किसको, रोज की तादाद को जाहिर कर रहा है। उसके बाद हमने लगाना है क्रॉस का निशान। क्रॉस का निशान लगाने के बाद हम क्या करते हैं, हम उस दिए गए मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद देखते हैं। तो कॉलम की तादाद देखेंगे, पहला कॉलम वर्टिकल अरेंजमेंट, और यहां से दूसरा कॉलम जो कि दो से जाहिर दूसरा कॉलम हो रहा है, चार से जाहिर ये वाला पहला कॉलम हो रहा था जाहिर। तो टोटल कॉलम कितने बन रहे हैं, दो, जबकि रोज कितने बन रही है, वन। तो वन हमने लिखा, जरब का निशान, क्रॉस का निशान लगाया, उसके बाद कॉलम की तादाद जो कि दो है वो हमने लिख दिया। अब ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स हमारे पास इजीली कैलकुलेट हो गया। तो इससे ये जाहिर होता है कि किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज का मालूम होना जरूरी है, और वो ये कि हमें उस मैट्रिक्स में रोज की तादाद का पता हो और उस मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद का पता हो, तो बआसानी हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। अब आगे डी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, और इस मैट्रिक्स में भी सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी रोज हैं। तो रो नंबर वन जो कि चार से जाहिर हो रही है, रो नंबर टू जो कि आपके पास जीरो से जाहिर हो रही है, ये वन टू, और रो नंबर थ्री जो कि आपके पास सिक्स से जाहिर हो रही है। तो टोटल रोज कितनी है, इसमें थ्री है, तो मैं सबसे पहले तीन लिखूंगा, उसके बाद क्रॉस का निशान, उसके बाद कॉलम की तादाद लिखूंगा। कॉलम कैसे मालूम करना है, कॉलम में मैंने देखना है कि वर्टिकल इस तरह से मेरे पास कितनी लाइंस हैं। तो वर्टिकल तो मेरे पास एक ही लाइन है, यानी कि एक ही लाइन में 406 आ रहा है, तो इसका मतलब है कॉलम मेरे पास एक है, तो मैंने सिर्फ कॉलम की तादाद की जगह सिर्फ एक लिख देना है। तो यहां पे थ्री क्रॉस वन, तीन जरब एक मेरा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह से ई मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। ई मैट्रिक्स में हमने ऑर्डर कैसे मालूम करना है, अगेन सबसे पहले हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, एक दो तीन, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस तीन है, इसका मतलब है कि रोज की तादाद कितनी है हमारे पास, तीन। अब उसके बाद हमने क्रॉस का निशान लगाना है, क्रॉस का निशान लगाने के बाद हमने देखना है कि कॉलम की तादाद कितनी है, यानी कि कितनी लाइनें इस तरह से दी गई हैं, एक ये लाइन है और एक इस साइड से एबीसी वाली दूसरी लाइन है, तो टोटल हमारे पास दो लाइनें हैं, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, थ्री क्रॉस टू। तो थ्री क्रॉस टू, तीन जरा दो का, ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम एफ मैट्रिक्स के ऊपर देखें, तो इसमें एक ही नंबर दिया गया है, और इसका मतलब है ऑरिजेंटल भी वही है, एक लाइन है, और वर्टिकल भी वही लाइन है, तो इसमें इसका ये मतलब होगा कि रोज की तादाद कितनी है, एक, कॉलम की तादाद भी एक, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, एक जरब एक या वन क्रॉस वन। तो इस तरह से करके हम इन मैट्रिसेस के ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपके सामने दिया गया होगा मैट्रिक्स ऑर्डर मालूम करना हुआ, तो आप बआसानी इस लेक्चर को लेने के बाद ऑर्डर उस मैट्रिक्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। शुक्रिया।